हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल मसाला पनीर। चलिए तो पहले हम पनीर में मसाला लगा लेते हैं। एक बाउल में हम ये पनीर डालेंगे। ये पनीर हमारा घर का बना हुआ है। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। थोड़ी मिर्च डालेंगे, थोड़ी हल्दी डालेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा गरम मसाला डालेंगे और मसाले चिपकाने के लिए हम थोड़ा पानी डालेंगे इसमें और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और इनको थोड़ी देर के लिए ढककर रख देते हैं। कढ़ाई को हमने मीडियम फ्लेम पर रख लिया है। इसमें अब हम 2 चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें अब हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 4 काली मिर्च डालेंगे, 4 लौंग डालेंगे, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 2 हरी इलायची डालेंगे, 3-4 तेज़पत्ता डालेंगे। इनको 1 मिनट के लिए भुनेंगे। इसमें अब हम 2 प्याज और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इनको 2-3 मिनट तक भूनेंगे। प्याज का पेस्ट हमारा भुन गया है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये हमने 1/2 चम्मच लाल मिर्च डाली है, थोड़ी हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच धनिया डालेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच बेसन डालेंगे और इनको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। मसाला भुन गया है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा हरा धनिया, इसको भी थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे ये 4 टमाटर का पेस्ट है, इसमें 2 हरी मिर्च डाली है, इसको हम अच्छे से भुनेंगे। जब तक हमारा मसाला भुनता है तब तक हम पनीर फ्राई कर लेते हैं। पनीर फ्राई करने के लिए 1 चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें अब हम पनीर डालेंगे। तीन चार मिनट हो गए हैं, पनीर फ्राई हो गई है, अब हम पनीर को ग्रेवी में डालेंगे। मसाला भुन गया है, अब हम इसमें पनीर डालेंगे। इनको अच्छे से मिलाएंगे, 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और इसको हल्के हाथों से मिलाएंगे। सब्जी हमारी बनकर तैयार है, अब इसमें थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।